डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपनी इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के लिसाड़ी गांव में एक युवक की हत्या कर शव रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में डाल दिया गया। MS गार्डन निवासी खालिद के रूप में शव की शिनाख्त परिजनों ने की है। खालिद पिछले 4 दिन से लापता था। परिजनों का आरोप है कि वह काम पर गया हुआ था, वहीं से उसके दोस्त उसे उठाकर ले गए थे। आज उसकी सड़ी गली लाश बरामद हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या काफी समय पहले की गई है। रोते भिलकते परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि खालिद की तलाश के लिए पुलिस ने उनसे 50,000 रुपये की मांग की थी। मौके पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है। खालिद के परिजनों ने इस बारे में यह जानकारी दी। आज तो मर्डर मिला, आज तो उसकी लाश मिली है खालिद की। रेल के फाटकों पे पड़ा था खालिद। तहरीर दी थी हमने 4 तारीख को, 5 तारीख को भी हम गए, रात भी गए। हमने कही पुलिस वालों से कि हमारा भैया गुमशुदा है। ये कहने लगे नु कि आ जाएगा घर पे। फिर हमें चौकी से पता चला कि आपके लड़के को क्रेम ब्रांच वालों ने उठा लिया। हमने कही जी नुके कहाँ है, तो उन्होंने कही नुके क्या नाम जी के, ये तो हमें पता नहीं, हमें 50,000 रुपए चाहिए तो हम पता बताएंगे। इन्होंने कही चौकी से। फिर हम वहाँ गए तो हमने पता करा तो नंगले वालों ने 8 दिन पहले हमारे भैया को धमकी दी, तो हम नंगले के थाने में गए। नंगले वालों से इंतजार की ससुराल थी, मेरे भैया का दोस्त था इंतजार को। फिर मेरा भैया कहने लगा नुके क्या नाम जी के, नुके भैया तेरा मैटर तू निमटा ले। हम अपने भैया को जब हमारा भैया तो मेहनत मजदूरी करता था, यहाँ टेम्पू चलाता था, सरिये ढोता था, उसमें वो काम करा उसने पूरे दिन। सांझ को 6 बजे इंतजार ने बुलाया, इंतजार के पास मेरा भैया आया अपनी गाड़ी लेकर, वो टिर्री में धर गया, बाइक की चाबी हमारे भैया की जेब में। अब हमने जाके देखा तो वहाँ मार के गिर रखा नंगले के इंतजार के। हम तो 4 तारीख से बराबर कर रहे हैं। थाना पुलिस का ये कहना है कि क्या नाम जी का कुछ का हम अभी कुछ नहीं कर सकते। 11 बजे सुबह को बताएंगे, रात को बताएंगे, शाम को बताएंगे। हमारी एप्लीकेशन ना पकड़ी पुलिस वाले ने, नु कही थी हम अभी नहीं बता सकते। हम तो सुबह को बताएंगे। सुबह गए हम, कह लगे कल आना 11 बजे। हम परसों 11 बजे गए तो फिर आज के भी कही हम 11 बजे जिंदा देंगे। हमें तो एक पन्नी चुगने वालों ने बताई नुकसान जिंदा है, हम पुलिस वाले लाकर देंगे। पुलिस वालों ने ये कहा तुम्हारा लड़का जिंदा है, जिंदा चाहिए। एक जिसका फोन आया उसका नंबर है, वो कह रहा तुमने पुलिस केस कर दिया। मैंने कहा हमने क्या दिया। पुलिस वालों ने ये कहा नु कही है, कोई कहीं से बोल रहा, कोई कहीं से। नंगले वालों ने ये कहा, वो ये कह रहा था तुमने पुलिस केस करा। हमने कहा जी हमने पुलिस केस करा। हम कह लगे इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।